वेलकम टू रियल फोरम, मसीह में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो एक वफादार संडे स्कूल टीचर के बारे में है। 1856 में एडवर्ड किम्बल नाम का एक संडे स्कूल टीचर बहुत ही धून और वफादारी के साथ संडे स्कूल की सेवा करते थे। उन दिनों में छोटे बच्चों को भी कोयले के खान में, मिल्स में, दुकानों पर जाकर काम करना पड़ता था। इसीलिए मिस्टर किम्बल संडे के दिन सिखाने के बाद बाकी दिनों में भी बच्चों के पास जाकर उनको मसीही के बारे में बताकर उनको मसीह में मजबूत करते थे। और उनके संडे स्कूल में डीएल मूडी नाम का एक बच्चा जूते के दुकान में काम करने की वजह से संडे स्कूल में अक्सर सो जाया करता था, और इसीलिए मिस्टर किम्बल उस बच्चे के पास उसके दुकान पे जाकर बार बार मसीह के बारे में उसको बताया करते थे। और काफी लंबे समय के बाद लगातार उस बच्चे को मसीह के बारे में बताने के वजह से एक दिन डीएल मूडी ने मसीह को स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा सेवकाई को निभाया। और आज हम सब जानते हैं कि डीएल मूडी की वजह से 18वीं शताब्दी में लाखों करोड़ों लोगों ने मसीह को स्वीकार किया। एक संडे स्कूल टीचर अपनी जिम्मेदारी को पूरी विश्वास योग्यता से निभाने की वजह से कितना बड़ा काम हुआ है, इससे ये साबित होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। 17 जून 1873 में डीएल मूडी ने लिवरपूल इंग्लैंड में जाकर प्रचार किया, जिसकी वजह से वहां के चर्च के पास्टर एफबी मेयर ने अमेरिका में डीएल मूडी के साथ इवेंजलिस्ट सेवा में जुड़ गए। और एफबी मेयर के एक प्रचार से जे विल्बर चैपमैन ने अपने आप को मसीह को सौंप दिया और मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और इनके प्रचार के बाद मिस्टर चैपमैन के प्रचार से बिली संडे नाम का एक अमेरिका का मशहूर बेसबॉल प्लेयर अपना जीवन मसीह को सौंपता है और मसीह का सुसमाचार सुनाने का सेवा को शुरू करता है। अभी देखिए किस प्रकार से एक के बाद एक परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी इस बिली संडे के एक प्रचार के दौरान मर्दकई हान नाम का एक व्यक्ति मसीह की सेवा करने के लिए अपना जीवन को सौंप देता है। और 8 अक्टूबर 1934 में, हालांकि आज का दिन भी 8 अक्टूबर 2022 है, तो मैं आपको बता रहा था कि 8 अक्टूबर 1934 में मर्दकई हान ने नॉर्थ कैरोलिना में शार्लट होटल में एक प्रार्थना लिखा। उन्होंने लिखा, हे परमेश्वर, हमको फिर से पेंटिकॉस्ट का अनुभव दे दे, कल के दिन पवित्र आत्मा उंडेल दे। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अगले ही दिन सेंट्रल हाई स्कूल से बिली ग्राहम ने अपने आप को मसीह का सेवा करने के लिए समर्पण कर दिया। और इतिहास गवाह है कि बिली ग्राहम ने कितने करोड़ों लोगों को नरक में जाने से बचा लिया। आप भी उनको जानते होंगे कितना बढ़िया उन्होंने सुसमाचार सुनाने का काम पूरी दुनिया में किया और बहुतों को मसीह में लाने के लिए उन्होंने सहायता किया। अगर हम 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी देखने से मिस्टर किम्बल, जो एक साधारण संडे स्कूल टीचर थे, उनके हाथ से परमेश्वर ने जो काम शुरू किया उसके वजह से करोड़ों लोगों ने एक के बाद एक, डीएल मूडी की वजह से, उसके बाद एफबी मेयर की वजह से, बिली संडे और मर्दकई हान और बिली ग्राहम की वजह से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया है। तो संडे स्कूल की सेवा जो है ये बहुत ही महान और आशीषदायक सेवा है। पूरी दुनिया में उद्धार को प्राप्त कराने के लिए इस सेवा के माध्यम से परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया। अगर हमें भी परमेश्वर के भवन में कोई भी सेवा मिलने से परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता को अपेक्षा करता है। बाकी बड़े बड़े काम तो परमेश्वर ही करता है। और अगर आप एक संडे स्कूल टीचर हैं या बनने की इच्छा रखते हैं तो आप धन्य हैं। आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता प्राप्त होगी।
परमेश्वर आप सबको आशीष करे। वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।